हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम नाइकी शूज़ का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैंने शूज़ ख़रीदा था कुछ दिनों पहले, तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था और कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था और मैंने लोगों से पूछा था कि क्या मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना चाहिए, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हाँ बनाना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नाइकी शूज़ का अनबॉक्सिंग और उस शूज़ का नाम है नाइकी एयर मैक्स 270। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा नाइकी का शूज़ जिसको मैंने बाय किया था। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वीडियो तो बनाता नहीं, पर मैं आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये एक शूज़ कैसा है, आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं, इसकी क्वालिटी क्या है। और भाई आप नाइकी के बारे में तो आप जानते ही हो कि क्या चीज़ होती है। तो हम ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा है। आर यू गाइस रेडी? तो इस डब्बे को थोड़ा देर के लिए बाय बोलते हैं और बात करते हैं अभी इस शूज़। इस शूज़ को मैंने डायरेक्ट नाइकी स्टोर से ख़रीदा था और इसको मैंने अपने रेगुलर यूज़ के लिए जैसे जिम वगैरह या फिर रनिंग के लिए इसको मैंने बाय किया था। तो इसको मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको यूज़ करके। इसका जो रिज़ल्ट था बहुत ही सही था, तो इसकी खासियत थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इंस्टाग्राम के बाद मुझे लगा कि आपको वीडियो दे देनी चाहिए। तो इसको मैंने 2-3 दिन यूज़ कर चुका हूँ, तो अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी कलर जो है मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसको पहली इंप्रेशन पे इसको बाय किया। और उसके बाद इसकी जो वेट बहुत ही लाइट वेटेड है, जो आपको एक्सरसाइज रनिंग या जॉगिंग के वक्त बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। जो कलर तो आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके साथ साथ इसकी जो ये पार्ट है वो थोड़ी फाइबर दी हुई है जिससे ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये लाइट वेटेड है, मैंने पहले भी बताया, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट फील होगा। आप जब भी इसे पहन के यूज़ करेंगे या फिर आप ट्रेवल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसे अगर आप लंबे समय तक अगर आप इसको यूज़ करें तो आपके फीट में पेन होगा या फिर किसी भी टाइप का आपका प्रॉब्लम होगा। तो इन सब से ये बहुत ही ओवररेटेड है। तो इसकी जो बेंड क्वालिटी है आप देख सकते हैं बहुत इजीली, मतलब आप जब इससे पहन के एक्सरसाइज करते हैं तो कोई ट्रबल तो आने वाला नहीं है, ये तो बात डन है। इसको मैंने पहले तो नाइकी स्टोर से ही बाय किया, तो अगर मैं आप लोग इसकी वीडियो बनाकर देता हूं तो आप लोग इसे भी बाय करना चाहोगे ही। लेकिन एक बात बता दो, ये ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो आपको इसके जगह मैं सब्स्टिट्यूट में दूसरे शूज़ का लिंक दे दूंगा जो कि बहुत ही सूटेबल होगा आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आप उसको चेक कर सकते हो और ज़रूरत लगे तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पर ये जो शूज़ है ये तो ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने अपने रेगुलर यूज़ के लिए लिया। कुछ दिन पहले मैंने एक और शूज़ का अनबॉक्सिंग किया था, वो फुटबॉल शूज़ था, निविया इनकाउंटर 6.0 का। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप नया फुटबॉल शूज़ लेने वाले हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लो एक बार, वो आपके लिए मे बी बहुत ही हेल्पफुल हो, आपके लिए वो बहुत सूटेबल हो उस प्राइस में। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ मैंने एक और शूज़ ख़रीदा था, उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊँगा आप लोगों के सामने। तो ये शूज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप थोड़ी इसकी सिनेमैटिक को इन्जॉय किया जाए। Let's go! I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, sometimes I think that